धार्मिक ग्रंथों और सनातन धर्म पर नेताओं और संतों की बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आस्था और अंधविश्वास को लेकर देश में कई विवाद सामने आ रहे हैं। सनातन धर्म और कई ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता मनोज कुमार ने मेरठ के नंगलामल गांव पहुंचे और उन्होंने स्वामी दीपक ज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज से खास बातचीत की। गुरु शंकराचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक उपलिख अध्यक्ष श्री दीपक ज्ञानानंद सरस्वती महाराज जी गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं जो कि नंगलामल मेरठ में है। वो सनातन धर्म को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि सभी सनातन धर्म के बारे में जानें। आइए ज्यादा जानकारी हम गुरुजी महाराज से लेते हैं। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप जो यहाँ पे गुरुकुल का निर्माण करने जा रहे हैं उसका आपका उद्देश्य क्या है? ओम आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम के निर्माण का उद्देश्य समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार है। वह समाज को सनातन धर्म के संदर्भ में अवगत कराना है। समाज में आई कुरूतियों, अंधविश्वासों, अशिक्षा के प्रति समाज को विशुद्ध रूप से खड़ा कर समाज में चेतना का प्रचार प्रसार इस गुरुकुल का उद्देश्य है। गुरुजी, मैं चाहूंगा आप मुझे इस बात से भी अवगत कराएं कि आपने यहाँ पे इसका प्रचार प्रसार के लिए यही भूमि क्यों चिन्हित की है? आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम के लिए आदि गुरु शंकराचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये भूमि इसलिए चिन्हित की गई। शंकराचार्य जी अपनी धर्म जागरण यात्रा में नंगलामल आए इस बात के प्रमाण हैं और उन्होंने इस गुरुकुल परिसर में आदि शक्ति के मंदिर में आराधना कर अपनी यात्रा का समापन किया था और आदि शक्ति ने उनको यहाँ दिव्य दर्शन दिए थे, इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए इस भूमि का चयन किया गया। गुरुजी, दूसरा मैं चाहूंगा यहाँ पे विद्यार्थी आएंगे तो उनकी सुविधा के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पे तैयार की जा रही हैं? विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आदि गुरु आदि शक्ति के मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जो विद्यार्थियों के प्रेरणा का स्रोत बनेगा। आदि गुरु शंकराचार्य यज्ञशाला का निर्माण रहा है जहां पर विद्यार्थी नियमित यज्ञ और हवन करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य ध्यान एवं योग केंद्र का निर्माण किया जा रहा है जहां पर विद्यार्थी योग के संदर्भ में सीखेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य पुस्तकालय का निर्माण किया जा रहा है जो इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए वरदान होगा। आदि गुरु शंकराचार्य गुरुकुल आश्रम का निर्माण किया जा रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य छात्रावास का नाम निर्माण प्रस्तावित है। आदि गुरु शंकराचार्य गौशाला प्रस्तावित है व आदि गुरु शंकराचार्य चैरिटेबल हॉस्पिटल भी प्रस्तावित है। ये आदि गुरु शंकराचार्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जाने वाला यहाँ पर कार्य है। गुरुजी, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पे किस किस धर्म के लोगों को शिक्षा प्रदान की जाएगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म अपने आप में संपूर्ण सर्वधर्म का प्रतीक है। मानव जाति में कहीं कोई भेदभाव न हो, मानव मात्र को कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा न हो, हमारा प्रयास सभी को शिक्षा होगी, सभी का विकास होगा, सभी का विकास होगा। वेदों की शिक्षा प्रमुखता से दी जाएगी, बिना भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच के प्रारूप के
हम सभी को समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएंगे। गुरुजी, मैं चाहूंगा ऐसा कोई संदेश है जो आप हमारे चैनल के द्वारा जनता को देना चाहेंगे। बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरा संदेश इस चैनल के माध्यम से ये है कि सनातन धर्म संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम, सबसे सत्य, सबसे शाश्वत धर्म है। संपूर्ण विश्व को सनातनी बनाने के लिए आपके चैनल का प्रचार प्रसार हमारे लिए पूजा का कार्य करेगा। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम। जय।